एक बहुत छोटी कॉम्पैक्ट एस्टीम है, हाथों से गियर मारू मैं। तो देखो अपन गाड़ी लेके घूम रहे थे, सामने पुलिस वाले अंकल ने रोक ली गाड़ी, ठीक है ना। तो आप देखो आज की जो वीडियो है, आज अपन जा रहे हैं स्मॉलेस्ट एस्टीम कार की वीडियो बना रहे हैं। यार देखो पहले एस्टीम वाली कार नहीं आती थी, उसको मेरे एक भाई ने काट के फुल टू सीटर कर दिया है, टू सीटर स्मॉलेस्ट कार बना दी। और यार देखो ये वीडियो पूरी देखना, एक भी पार्ट इसका मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अपने साथ क्या क्या सीन होने वाले आज। बिना कुछ देरी के बदलते हैं यार वीडियो में। और भाई ये बताओ, नॉर्मल स्टीम से मुझे ये काफी ज्यादा अलग लग रही है, मतलब काफी छोटी सी, प्यारी सी, और काफी मेहनत से काम हुआ पड़ा है इसके ऊपर। एक बहुत छोटी कॉम्पैक्ट स्टीम है, हाँ, जो कि हमारी इसकी माइलेज बहुत ज्यादा देती है। माइलेज बहुत ज्यादा देती है, अबाउट 32। ये इसमें सीएनजी लगा रखा है आपने? बिल्कुल। आपने चलो इस गाड़ी को छोटा किया, काटा, आप ये बताओ कैसे कैसे आपने सेगमेंट्स क्या हटाए इसके, पब्लिक को थोड़ा सा ब्रीफ दो। हेडकॉम होता है गाड़ी का, बीच वाला जो पार्ट होता है, हाँ, जहाँ पर रियर सीट्स होती, पीछे वाली सीट्स होती है, ठीक है, उस पोर्शन को पूरा हमने कट आउट कर अलाइनमेंट करी है और हाँ। उसके बाद हमने पूरा इसको रिपेंट किया है। देखो सब्सक्राइबर्स मिल गए अपने, देखते भाग रहे हैं। तो देखो यार भाई का कहना है कि स्टीम, भाई जी बताओ स्टीम नॉर्मल कितनी बड़ी होती है, जरा मुझे हाथ से दिखाओ यहाँ पे। इतनी बड़ी होती है, देखो भाई बोल रहे हैं कि जो अपनी नॉर्मल स्टीम होती है वो यहाँ चालू होती है और यहाँ तक होती है, और आपने क्या किया भाई, जो बीच में जो बीच वाली सीट वाला पार्ट होता है पूरा आपने वो हटा दिया। मिडिल क्लास फैमिलीज में कांट अफोर्ड टू सीटर का, मतलब स्पोर्ट्स कार टाइप की, स्पोर्ट्स कार टाइप, हाँ ठीक है। अब तो उसी चीज को देखते हुए हमने अपनी खुद की कार बनाई है कि यार मतलब एक तो स्टीम बहुत सस्ती भी आती है, स्टीम को भाई ने काट के फुल स्पोर्ट्स कार वाला जो होता है ना मामला कुछ वैसा सा कर रखा है। मेरे साथ आया था मेरा दोस्त विवेक, उसको देखो कितनी मूत लग गई है, देख रहे हो, ये देखो भाई मूत रहा है वहाँ पे अकेले, हाँ मतलब मूत रहा है वहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ भाई जैसे लेटा हुआ था ना इस गाड़ी में, मूत आनी कंपलसरी। कैसे हो आप? बढ़िया। वीडियो पसंद आती है आपको? अरे कैसे हो भाई, आप भी कैसे हो? चल वो सब छोड़ो, गाड़ी बताओ एक बार, टू सीटर गाड़ी है, स्टीम नहीं आती थी पहले, स्टीम भाई ने काट के टू सीटर कर दिया है, कैसा लग रहा है आपको सीन? हाँ सही लग रही है। कार देखो यहाँ पे अपनी गाड़ी है टू सीटर स्टीम, मैं सोच रहा हूँ भाई इसको पता है मैं क्या नाम बचता हूँ, स्टीम किंग। तो मैं तुम्हें एक बार बैठ के दिखाता हूँ, भाई की हाइट है 6 फुट 3 इंच, देखते हैं कि अपन भाई फिट आते कि नहीं आते इसके। भाई पीछे नहीं होती, फंस गया, पीछे नहीं होती, फंस गया। पब्लिक को लेके आओ, तुम लोग पूछते हो मैं मॉडिफाइड गाड़ियाँ चलाता कि नहीं, स्मॉल वाली जितनी भी खतरनाक, रीजन ये है मैं आता नहीं, मेरी टांग नहीं आ रही, मेरे को बड़ा मन कर रहा है भाई चलाने का, भाई मुझे चलानी है, हाथों से गियर मारूं मैं। भाई मुझे एक चीज बताओ यार, पब्लिक को थोड़ा टीजर दो यार, जो अपन अपने पास एक और कंटेंट है, एक और जो आपने चीज बना रखी है वो क्या है, जरा पब्लिक को बताओ। हम आपको नई वीडियो के अंदर बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देंगे, हम आपको बाइक दिखाएंगे पानी से चला के। भाई के पास एक कॉन्सेप्ट है, भाई ने, भाई का पल्सर है ना, भाई का पल्सर है वो बाइक, भाई पानी से चलाते हैं। बिल्कुल भाई, मतलब जहरी काम कर रहा है। तो देखो अपन अभी क्या है कि अपनी जो स्मॉलेस्ट स्टीम है वो लेके घूम रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मैं दिखा रहा हूँ ये देखो, वी आर जस्ट मेकिंग अ वीडियो। तो देखो अपन गाड़ी लेके घूम रहे थे, सामने पुलिस वाले अंकल ने रोक ली गाड़ी, ठीक है ना, हमने गाड़ी में कुछ गलती भी नहीं की थी मेरे हिसाब से, अंकल ने रोक ली, तुम देख सकते हो कैसे, ये देखो। अंकल जी ये बताओ हमने गाड़ी में क्या गलती की है? ऐसी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी सर, बस और कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है और कोई तो दिक्कत नहीं हुई आपको गाड़ी से, मतलब ऐसे कुछ सीन तो नहीं कर रखा ना गाड़ी में, ज्यादा कुछ चलांग वलांग का सीन तो नहीं होगा? चलान सीन का होगा। अंकल जी मैं वीडियो बनाता हूँ और लोगों को सच्चाई दिखाता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हम पढ़ाई के हैं पर वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग इसलिए कैसे बना। चलो शुक्रिया शुक्रिया अंकल जी। पहली बात तो यार मैं भाई की गाड़ी में ना बड़ी मुश्किल से बैठा, तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई ने कैमरा ऑन किया, पुलिस वाले अंकल चलो चलो बेटा जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। बताओ भाई क्या सीन हुआ था पुलिस वाले के साथ? पुलिस वालों ने हमें तो रोका, हाँ, और ये पूछा गया कि ना ये गाड़ी यहाँ पर किस तरीके से आई और रहते कहाँ पर, हाँ, तो उनसे ना उनसे बात करी, इंग्लिश में बात करी, समझ नहीं आया पहली बात तो। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने पूछा क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई करते हो, कहते हैं हाँ चलो ठीक है फिर आप जा सकते हो। कैमरा वैमरा ऑन कर लिया फिर अंकल जी, तो चलो ठीक है बेटा तुम वीडियो बना रहे हो बनाओ, मेरा भी रोल आ गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं मुसाफिर लग रहा था, मुसाफिर स्वदेश में बैठा हुआ था। हाँ हाँ हाँ
इस गाड़ी को अगर मेरे अलावा कोई भी कहीं ले जाता है विदिन 10 किलोमीटर ठीक है तो मेरे पास है ना कॉल आ जाती है कि भाई कहाँ पे घूम रहा है आज। अच्छा हाँ तो गाड़ी फुल फेमस है गुड़गांव में। बिल्कुल अच्छा पूरी पूरे गुड़गांव में आपको दिल्ली एनसीआर में एनआईसी कार सेम कार कहीं पर नहीं मिलेगी। हाँ ये तो है भाई दिमाग भी तो आपने लगा रखा है। ये देखो यार ये है वो भाई आगे लगाओ थोड़ा से ये देखो यार ये है वो एसटीन जो नॉर्मल गाड़ी जो होती है वो ऐसी होती है एसटीन और भाई ने फुल कार के छोटी गाड़ी भाई जरा इससे आगे निकाले यार मजा नहीं आ रहा। देखो अब देखो ये होती है एसटीन देख रहे हो पीछे बैठा है विवेक भाई ठीक है ना वो मेरे बचपन का दोस्त है और वो भी हाल ही में गोवा गया था और गोवा जाके भाई मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। भाई दिखा यार विवेक क्या गिफ्ट है मतलब फुल शैतान का लड़ने वाली चीज है। विवेक भाई मेरे लिए गोवा से ये लेके आया था देख रहे हो फुल मतलब यार ये तो बैंड होता है। और भाई विवेक ये बता यार तूने मेरे लिए ये कंकाल वाले क्यों चुना? भाई गाना आया था ना तेरा शैतान का लाड लाडला लाडला हाँ तो मैं सोचा भाई भाई पे शैतान ही सूट करेगा शैतान तो बचपन से ही है भाई हाँ शैतानियाँ देखी हैं बचपन सही है तो यार ये अपन पहनते हैं और थैंक यू विवेक भाई थैंक यू। अच्छा मैंने बताया नहीं विवेक क्या था बंदियों के साथ सारी गर्ल्स थी अगल बगल है विवेक सही बोल तो भाई गोवा फैमिली के साथ जाने वाली जगह। ओह कितना आरामी है ओह तुम बताओ भाई एक्चुअल में अपनी फैमिली साथ गया थे ओवरऑल में कैसे बोल रहे गोवा फैमिली जाने की जगह है सही है लौंडे तू भी तो शैतान है आरामी। तो देखो अभी अपन खड़े हैं भाई के इंस्टीट्यूट में ठीक है ना और मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज भाई ये RPS CAD टेक्नोलॉजी मतलब ऑटो कैड जो होता है जिसमें वो गाड़ियों की डिजाइनिंग विजाइन करते हैं उसका आपका इंस्टीट्यूट है ना। जैसे मुझे विवेक बता रहा था विवेक तूने भी ऑटो कैड पढ़ा हुआ है? ऑटो कैड गाड़ियों की डिजाइनिंग विजाइनिंग होती है किसी को भी गाड़ी डिजाइनिंग या अपनी खुद का मॉड कस्टमाइजेशन करवानी है तो भाई के इंस्टीट्यूट में आके आप सीख सकते हो। भाई अपना कार्ड दिखा दो यार मैं तुम भाई का कार्ड दिखाता हूँ ये देखो RPS CAD टेक्नोलॉजी तुम्हें नंबर दिख जाएगा दोनों सेल पे है ये वाली गाड़ी अभी सेल पे है। अपने कुछ बातें करनी है मुझे और तुमसे वन ऑन वन कुछ बात करनी है। तो देखो जाने से पहले तुम सबको यार हैप्पी न्यू ईयर मेरी एक एक जनता को मैं दिल से हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ ना। तो मैं देखो नया साल है तुम नए न्यू हो तुम तो पुराने ही हो ठीक है ना लेकिन नए नए रेजोल्यूशन बनाओ अपने नए नए गोल्स बनाओ और मैं तो दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग सारे गोल्स पूरे करो ठीक है। तब ये साल 2019 मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल क्यों था अक्टूबर 2018 में मैंने अपने चैनल पे वीडियो डालनी चालू की ठीक है ना और ऑलमोस्ट अभी तुम देख सकते हो एक साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है और तुम्हारे भाई ने 288,000 करीब सब्सक्राइबर्स मैंने कंप्लीट कर लिए तो ऑलमोस्ट 3,00,000 कर लिए मैंने एक साल से थोड़ा सा ऊपर में। तो ये साल इसलिए मेरे लिए इतना स्पेशल था और सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं मेरे को काफी शोज के ऑफर्स भी आए जो कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। जी हाँ मुझे काफी टीवी शोज के ऑफर्स भी आए थे उनमें से बहुत बड़े बड़े शो जो कलर्स टीवी में आते हैं पूरा हो नहीं पाया अपन ने इंटरव्यू भी दिया होता है सेल्फी वीडियो बना के इंटरव्यू देते हैं अपन ने वो सब दिया लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन ये जितने भी अचीवमेंट्स मैंने हासिल किए 2019 में ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है ठीक है ना। तो तुम में से हर एक इंसान यार बहुत ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए और ऐसी अपन इस साल भी वीडियोस डालते रहेंगे फन करते रहेंगे और मास्टर बिल्डर की बकचोदी देखो कभी खत्म होती नहीं है तो फुल यार क्या रासीन कर देंगे ठीक है। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है ना और यार देखो घंटे का ऑप्शन भी डालना कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो पता चलेगा कि मास्टर बिल्डर ने अपना तबाही मोड ऑन कर दिया है जब पहले वीडियो देखते हैं ठीक है। तो यार मैं मास्टर बिल्डर आपसे घंटों के तब तक के लिए गुड बाय।